नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से अब सभी पार्टियां समीक्षा कर रही है कि कहां किस पार्टी से चूक रह गई, ताकि आने वाले बिहार विधानसभा में कहीं कोई चूक ना रह जाए। राजद की तरफ से भी समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें कई सारी वजह निकलकर सामने आई थी। सबसे महत्वपूर्ण वजह पप्पू यादव को टिकट नहीं देना था, जिससे कि यादव काफी नाराज थे। वहीं भाजपा का अपना प्रदर्शन खराब रहा और उसकी 63 सीटें घट गई। सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा, जहां उसकी सीटों और वोटों में भारी गिरावट आई। भाजपा का वोट पिछले चुनाव के 49.98% से घटकर 41.37% रह गया। वही सीटें 62 से घटकर 33 पर आकर सिमट गई। इसको लेकर पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा बैठकें की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह निकलकर सामने आई कि पार्टी के कोर कैडर को कम तवज्जो मिल रही है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में असंतोष की भावना है और वह अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। इन्हीं सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी बात कही है। जी हां, उन्होंने वजह बताया है कि आखिर लोकसभा में एनडीए के सीटों में क्यों कमी आई है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है और उनके अनुसार जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें कहां कमी रह गई, क्या चूक रह गई जिसके वजह से एनडीए के सीटों में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिनमें उन्होंने समीक्षा बैठक की चर्चा की और उन्होंने बताया कि एनडीए में सीटों में कमी क्यों देखने को मिली। बता दें कि एनडीए की सीटों में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, बिहार में भी एनडीए को 10 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है और इस बात की समीक्षा बैठक की गई। और उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जो समीक्षा बैठक उन्होंने की है, उनके पार्टी की तरफ से जो समीक्षा बैठक की गई है, उसमें कमी जो आई है वह यह आई है कि एनडीए के लोगों में जमीनी स्तर पर आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाया था। जी आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एनडीए के जितने भी दल थे या नेता थे, वो आपस में तालमेल नहीं बिठा पाए। कई सीटों पर ऐसा देखा गया कि भाजपा के कैडर से ही कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली। वहीं जहां से जदयू के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर भाजपा का कैडर या फिर बोले कि भाजपा के कार्यकर्ता उतने उत्तेजित या उतने सपोर्टिव नहीं थे जितना कि होने चाहिए थे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो दावा किया है वह कहीं ना कहीं सच भी लगता है, क्योंकि जब शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव की तो पहले तो सीटों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हो गया उसके बाद से जिस चरण में जदयू के ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे या फिर जहां जो है इलेक्शन था, वहां पर भाजपा उतनी एक्टिव नहीं नज़र आ रही थी। वहीं चिराग पासवान भी काफ़ी ज़्यादा अपने क्षेत्र में एक्टिव नज़र आ रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर भाजपा के तरफ से या यूं कहें कि एनडीए के जो भी दल थे उनके बीच आपसी सामंजस्य और तालमेल की कमी देखने को मिली है। और इस बात का जिक्र अब उपेंद्र कुशवाहा ने किया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है कि क्या कुछ कमी रही। तो उन्होंने साफ तौर पे एक शब्द में यही कहा है कि तालमेल की कमी एनडीए में थी, जिसके वजह से इतने सीटों का जो नुकसान है वो एनडीए को उठाना पड़ा है। तो ऐसे में अब भाजपा वालों को या फिर एनडीए वालों को, जदयू वालों को, जितने भी दल हैं उनको यह सोचना होगा कि किस तरह से आपस में तालमेल बिठाएं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वैसी स्थिति ना हो जैसा कि लोकसभा में देखने को मिला है। और जितना नुकसान लोकसभा में एनडीए को उठाना पड़ा है, वैसा नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को ना उठाना पड़े, इसके लिए सभी लोगों को मिलकर एक साथ बातचीत करनी होगी, तालमेल बिठाना होगा और आपसी सामंजस्य बिठानी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो समीक्षा बैठक करवाई है और जिस समीक्षा बैठक की वो चर्चा कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं कि एनडीए में तालमेल का अभाव था, वो वाकई में था या फिर वो ऐसे ही बोल रहे हैं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।